विधानसभा अध्यक्ष को दी गई भावभीन श्रद्धांजलि। आज उनको इस दुनिया से गए 5 साल हो गए। दादा आज होते तो उनका 97वां जन्मदिन होता। संगठन प्रभारी कांग्रेस प्रताप भानु शर्मा सहित तमाम कांग्रेसी रहे मौजूद। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। आज उनको इस दुनिया से गए 5 साल हो गए। दादा आज होते तो यह उनका 97वां जन्मदिन उनके समर्थक मना रहे होते। संगठन प्रभारी कांग्रेस प्रताप भानु शर्मा सहित तमाम कांग्रेसी इस मौके पर मौजूद रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को दी गई श्रद्धांजलि। श्रीनिवास तिवारी उर्फ दादा का जन्म 17 सितंबर 1926 को हुआ था। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 2018 को दिल्ली में इलाज के दौरान हुई थी। श्री तिवारी लगातार 2 पंचवर्षीय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। विंध्य के सफेद शेर के नाम से मशहूर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की 97वीं जयंती के उपलक्ष्य पर उनके अमहिया स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता सा लगा रहा। यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें अपने ही अंदाज में लोगों ने दादा को याद किया। श्रीनिवास तिवारी जिन्हें लोग सफेद शेर की उपाधि देते थे का आज 97वां जन्मदिन था। इस मौके पर अमहिया स्थित उनके निवास स्थल पर पहुंचकर तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अपने ही अंदाज में उन्हें याद किया। इस मौके पर उनके समर्थक और परिवार के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे रीवा जिले के कांग्रेस के संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा ने संगठन की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की। सही मायने में किसी जमाने में विंध्य की पहचान पूरे देश में दो नेताओं के पहचान के रूप में होती थी। एक थे कुंवर अर्जुन सिंह, दूसरे श्रीनिवास तिवारी। श्रीनिवास तिवारी को लोग आज भी रीवा में संजय गांधी अस्पताल के नाम से याद करते हैं, यह उन्हीं की देन है। श्रीनिवास तिवारी के समर्थक जब तक वह जिंदा रहे बड़े ही जोश खरोश के साथ उनका जन्मदिन मनाया करते थे। देश और मध्य प्रदेश भर के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता इस मौके पर रीवा में मौजूद रहते थे, दादा को बधाई देते थे। श्रीनिवास तिवारी का एक नाम दादा भी था, छोटे बड़े सभी उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। विंध्य के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे उनके समर्थकों और संगठन प्रभारी से हमने बात की। सुन गए उनका क्या कुछ कहना था। श्रीनिवास जी की 97वीं जन्म जयंती के अवसर पर मुझे रीवा जिले में यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारी आदरणीय अरुणा तिवारी जी ने जो एक श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कार्यक्रम उनकी याद में किया है, ये सही मायने में उस ऐसे व्यक्ति के लिए यादगार श्रद्धांजलि है, याद करने का समय है जिन्होंने विंध्य क्षेत्र के लिए नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश के लिए, आम जनता जनार्दन के लिए काम किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज भी वो उनके काम, उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं अपने कांग्रेस परिवार की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से उनको पुण्य स्मरण करता हूँ और हृदय से पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। जन्मदिन का श्रद्धांजलि सभा है। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने अंतिम छोर के व्यक्ति की भी मदद करने के लिए स्वयं अपना एक दरबार लगाते थे और उनके जीवन में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने गरीबों के और रीवा के आज जो भी विकास है, चाहे शिल्पी हो, चाहे संजय गांधी अस्पताल हो, चाहे बड़ी पुल छोटी पुल का उन्नयन हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सब मतलब जितने उनके विकास के काम हुए हैं सब श्रीनिवास तिवारी दादा का ही है। और दादा के जन्मदिन पर हमको सबको संकल्प लेना है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चले और रीवा जिले का विकास करें। यह हमेशा अमहिया एक परिवार है जिन्होंने गरीबों के ही सतत संपर्क में लीन रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं कि रीवा में कांग्रेस का परचम लहराए। और मैं भी चाहता हूं कि दादा के आशीर्वाद को फलीभूत होकर 8 विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराए। धन्यवाद। हम लोग सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा सबसे आम जन से यही निवेदन करते हैं कि श्रीनिवास तिवारी के बताए हुए मार्गों पर अगर हम लोग चलें तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी।